जैन दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर आप सभी मित्रगण जानते हैं, आज भी कई सारे गरीब और विकासशील देश भरोसा नहीं करते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंच से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देश अपनी मनमानियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, ना चाहते हुए भी गरीब और विकासशील देशों को यूनाइटेड नेशन की इन बातों को भी मानना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, भारत है कि पिछले कुछ समय से यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर आवाज खड़ी कर रहा है, और भारत ऐसे बड़े बड़े मंचों पे गरीब देशों की और विकासशील देशों की आवाज बनकर खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, अब भारत की तरफ से जो काम किया गया उसने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दरअसल दोस्तों, भारत के ऊपर आरोप लगाए कि भारत ने म्यांमार को 421 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार बेचे, जबकि म्यांमार की हालत काफी ज्यादा खराब है और म्यांमार की सत्ता के ऊपर उसकी सेना का कब्जा है। वहीं यूनाइटेड नेशन द्वारा म्यांमार को कई तरीके के हथियार बेचने के ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में म्यांमार को इतने बड़े पैमाने पे हथियार बेचना भारत के नैतिक और जिम्मेदारी भरे कदम को नहीं दर्शाता, और म्यांमार को हथियार बेचने को लेकर यूनाइटेड नेशन और भारत आमने सामने आ गए। हालांकि भारत ने यूनाइटेड नेशन को जवाब देते हुए कहा कि भारत ने म्यांमार को जो भी हथियार बेचे हैं वो बिल्कुल भी अनैतिक और बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं है, क्योंकि भारत द्वारा म्यांमार को दिए गए हथियार म्यांमार की आत्मरक्षा के उद्देश्य को पूरा करेंगे, जिससे म्यांमार की सेना अपने देश की किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षा कर सकेगी। और ऐसे में इस तरीके का प्रचार करना बिल्कुल भी झूठा है कि भारत द्वारा दिए गए हथियारों का म्यांमार की सेना म्यांमार के लोगों द्वारा किए जाने वाले लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने का काम करेगी। साथ ही भारत का कहना था कि यूनाइटेड नेशन को अमेरिका के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इस तरीके के कार्य करता है। बाकी भारत के इस बोल्ड डिसीजन के ऊपर आप सभी मित्रगणों की क्या राय, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।